हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास ट्वेल्थ की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्लास की एक्सरसाइज 9.2 बालाजी प्रकाशन से हम सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होते हैं, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्धमान ह्रासमान फलन होते क्या हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, या फिर ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आज की क्लास में हम सब लोग देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे। और इसमें कुछ ग्राफ हैं और जो वर्धमान ह्रासमान कितने प्रकार के फलन होते हैं इनको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 9.2 और एनसीईआरटी से 6.2 का जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, यानी वृद्धिमान तथा ह्रासमान फलन ये भी हम कह सकते हैं, ये इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं फलन के लिए, ये पहला है, और यहाँ पर हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये भी अपना वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बनाया, बस मान लीजिए कि हाँ हमने एक ऐसे ग्राफ बनाया, और इस वाले में हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है। समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बनाया, इसमें एक ऐसे ग्राफ बनाया। अगर जब हम देखेंगे इस ग्राफ के किसी भी एक बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु हम ले रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु वन है। इस बिंदु पर हम जब देखेंगे x का मान कितना है, देखो x का मान तो x1 है, और जो y का मान है, यहाँ पर हमने एक फलन माना है fx equals to x, ठीक है। fx को ही क्या कहा जाता है, y कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया x अक्ष पर x1, जो यहाँ पर एक बिंदु है वक्र पर, जो एक वक्र टेढ़ी रेखा खींची गई वहां पर बिंदु 1 पर मिल रहा है। बिंदु वन पर जब चेक करेंगे तो y का मान कितना जाएगा, यानी फलन का मान कितना हो जाएगा, f ऑफ x1, फलन में x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, x1। ऐसे ही थोड़ा बढ़ेंगे, हम यहां पर एक बिंदु ले रहे हैं और वो बिंदु है x अक्ष पर, तो इसका नाम दे दिया हमने x2। अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफ पर जो हमारा बना हुआ वो कहां पर मिलेगा, ग्राफ के इस बिंदु पर मिलेगा। दो तरीके से समझ सकते हैं, हम x अक्ष पर ये बिंदु ले सकते हैं, यानी x के मान धीरे धीरे बढ़ा करके हम चेक करना चाहते हैं क्या y का मान बढ़ रहा है। अगर x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ रहा है तो ये फलन हुआ इंक्रीजिंग, अगर x का मान बढ़ाने से y का मान घट रहा है तो ये कौन सा फंक्शन जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी फलन यहाँ घटेगा। तो वृद्धिमान या हमारा वर्धमान फलन क्या होता है, तो x का मान हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उसके कारण क्या फलन का मान बढ़ रहा है। तो बिंदु 1 पर हमने लिया x1, बिंदु 2 पर लिया हमने x2, और इस जगह पर फलन का मान कितना हो रहा है, याद रखिए फलन y को ही तो कहा जाता है, ठीक है। तो y बिंदु 2 पर, बिंदु 2 पर जो फलन का मान होगा वो सबसे पहले चीज x का मान कितना, x2, तो फलन का मान कितना हो जाएगा, f ऑफ x2, क्योंकि फलन fx बराबर x है, ठीक है। क्या x का मान, देखो यहां पर x का मान बढ़ाने से, क्या x का मान बढ़ाने से फलन का मान बढ़ रहा है, तो हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। तो x का मान बढ़ाने से फलन का मान बढ़ रहा है, क्या कहीं ऐसा कोई पॉइंट आया कि यहां पर फलन रुक रहा है या बढ़ नहीं रहा, तो ये हर जगह पर बढ़ रहा है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम यहां पर कोई एक पॉइंट ले लें, पॉइंट थ्री, इसके लिए एक्स का मान कितना जाएगा, एक्स थ्री, और जो फलन है यानी वाई का मान वो कितना जाएगा,
एफ ऑफ एक्स थ्री। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम x के मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा फलन का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो जरूर ये फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। कौन सा फलन हुआ ये, वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। कैसे होता है कि एक्स का मान बढ़ाओ, एक्स का मान बढ़ने से यदि फलन का मान, फलन मतलब वाई का मान भी बढ़ रहा है तो ये कौन सा फलन हुआ हमारा, वर्धमान। और देखिए ये फलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं ये कौन सा फलन हुआ, निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर क्यों है, क्योंकि ये कहीं पर भी रुक नहीं रहा है, वो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सा फलन हुआ हमारा, निरंतर वर्धमान फलन। कौन सा फलन हुआ, निरंतर वर्धमान फलन यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे अगर जब हम, तो कौन सा फलन हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर हमने कोई इस जगह पर एक पॉइंट ले लिया, यानी यहां पर हमने एक मान लिया x1, इस जगह पर हमने मान लिया x2, धीरे धीरे x का मान बढ़ा रहे हैं, इस जगह पर हमने मान लिया x का x3। तो यहां पर जाएंगे तो इस वाले बिंदु पर जब वक्र पर खींचेंगे लंब, हम ये रेखा खींचेंगे x1 के लिए, चेक करने जाएंगे कि बिंदु 1 पर जब x का मान x1 है तो y का मान कितना रहा होगा, fx1 रहा होगा। ऐसे ही वक्र के बिंदु 2 पर, बिंदु 2 पर जब x का मान कितना रहा, x2, तब उस समय फलन का मान कितना था हमारा, ये fx1, fx2। ऐसे ही जब बिंदु 3 पर जाएंगे, वक्र के पर तीन बिंदु लिए गए, एक दो तीन, बिंदु 1 के लिए x का मान x1 और फलन का मान fx1 जाएगा, बिंदु 2 के लिए x का मान x2, फलन का मान fx2 जाएगा, बिंदु 3 के लिए x का मान x3 और फलन का कितना मान जाएगा, तो x का मान तो x3 है लेकिन फलन का मान देखो कितना जा रहा है, fx3। तो यहां पर धीरे धीरे x क्या हो रहा है, बढ़ रहा, x बढ़ रहा, देखो x से x2 पहुंचे, x1 से x2 पहुंचे, लेकिन फलन क्या हुआ, फलन तब क्या आएगा, fx1 से fx2 आ रहा है। देखो फलन मतलब y, हम x बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा फलन घट रहा है धीरे धीरे, y घट रहा है धीरे धीरे। अगर हम x2 से x3 जा रहे हैं यानी कि मान x का बढ़ा रहे हैं लेकिन जो हमारा फलन है वो fx2 से fx3 यानी कि इधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है यानी कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फलन का मान भी बढ़ता जा, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता ही जा रहा है। तो धीरे धीरे ये घट रहा है, कोई ऐसा केस आया ही नहीं कि कहीं पर ये रुका हो, तो रुका नहीं यानी ये लगातार निरंतर घट ही रहा है, घट ही रहा है, घट ही रहा है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं निरंतर, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन। क्या कहते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि x का मान तो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं लेकिन fx का मान वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और वो लगातार कम हो रहा है, कोई ऐसा केस आया ही नहीं कि कहीं पर वो कम ना हो रहा हो, यहां पर बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, यहां कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होता ही जा रहा है, तो इसलिए निरंतर शब्द हमने जोड़ा है। ठीक है, ये है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ठीक, चलिए हम इसमें कुछ और भी जान लेते हैं। तो ये हमारा हुआ निरंतर वर्धमान फलन, ये हुआ हमारा निरंतर ह्रासमान फलन,
अब हम देखेंगे केवल और केवल वर्धमान फलन क्या होते हैं, केवल और केवल ह्रासमान फलन क्या होते हैं। तो टोटल चार फलन पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग। पहला निरंतर वर्धमान, वर्धमान ये दोनों हो गए, और जो दो ये हो गए, और दो आएंगे निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान फलन। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्धमान फलन क्या होता है। तो वर्धमान फलन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि हाँ फलन जो होता है वो धीरे धीरे घटता है, फिर इसके बाद वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आई बात? सेम ऐसे ही इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि फलन का मान जो होता है वो धीरे 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 घटता है, लेकिन एक कोई परपेंडिकुलर पॉइंट पर आकर के जो फलन है उसका मान रुकना बंद होकर के एक कांस्टेंट मान बना जाता है। यानी एक्स का मान तो बढ़ा रहे हैं, एक्स का मान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा फलन नहीं बढ़ रहा, फलन उतने पर ही रुका हुआ है, और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से घटना प्रारंभ हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा कैसा हुआ, ये निरंतर नहीं बढ़ रहा है, ये पहले बढ़ा फिर रुका फिर बढ़ा, तो इसलिए ये कैसा फलन केवल है, ये केवल और केवल वर्धमान फलन है, ये केवल और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये केवल और केवल? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही बात? इसकी बात करेंगे तो इसमें फलन लगातार नहीं घट रहा है, पहले घटा फिर रुका फिर घट रहा है, तो इसका मतलब ये लगातार घट ही नहीं रहा, निरंतर घट ही नहीं रहा। तो निरंतर नहीं घट रहा लेकिन घट तो रहा है, तो घटने के कारण ये क्या हो रहा है, ह्रासमान फलन हो रहा है। ये कौन सा फलन है हमारा? ह्रासमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये है हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के मान। यहां पर अगर हम देखेंगे इस बिंदु की बात करेंगे यहां से यहां तक, तो यहां पर तो x का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो x बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जब x का मान x1 रहता है तो फलन का मान कितना रहता है, fx1, और इस बिंदु पर जब x का मान x2 जाता है तब भी फलन का मान कितना रहता है, फलन का मान कितना है, fx2। यानी कि fx1, x1 और x2 आपस में तो बराबर नहीं है, इनको तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फलन के मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। सेम यहां पर भी होता है, यानी फलन नहीं बढ़ रहा लेकिन x और x1 और x2 मतलब x वाले बढ़ ही रहे हैं, y वाला बढ़ ही नहीं रहा, तो लगातार ये नहीं बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा ना, ये लगातार बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए ये हुआ केवल और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा निरंतर वर्धमान फलन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये लगातार घटता जा रहा है तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये केवल घटा फिर रुका फिर घट रहा है, तो इसलिए ये हुआ केवल और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कुछ फार्मूलेस कैसे क्या होते हैं। तो चलिए हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं इसमें। तो फार्मूले समझने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रवणता क्या होती है। तो प्रवणता किसी भी रेखा या वक्र की एक्स अक्ष के साथ ढाल होती है, एक्स अक्ष के साथ वो कितना कोण बना रही, और साथ ही साथ वो कोण होना चाहिए एक्स अक्ष की धन दिशा से, यानी एक्स अक्ष की धन दिशा से नीचे से ऊपर जाना चाहिए वो एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में धन दिशा जाती ना, क्लॉकवाइज में जाते हैं तो ऋणात्मक दिशा आती। तो हम यहाँ पर एक वक्र खींचेंगे, वक्र टेढ़ा, वक्र मतलब कोई एक टेढ़ी रेखा, तो एक हमने एक वक्र खींच लिया कुछ ऐसे, यहां से कैसे भी खींच सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है। और इस वक्र के किसी भी एक बिंदु पर, आप चाहे जहां पर बिंदु ले, यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, किसी भी एक बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, एक इसकी स्पर्श रेखा, इसकी एक स्पर्श रेखा खींचने वाले हैं, स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब जो इसे छू करके चली जाए, तो इसे छू करके जो चली जाती है रेखा वही इसकी क्या कहलाती, स्पर्श रेखा कहलाती है।
तो इस वक्र का हमने एक स्पर्शी बिंदु लिया और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची। ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से जितना कोण बनाती है वो कहलाता है इसकी प्रवणता, वो कहलाता है इसकी झुकाव। किसका झुकाव? ये इस वक्र का एक बिंदु से, ठीक है। ऐसे ही यहां पर खींचेंगे एक दूसरा ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है, और वो कुछ कैसा रहता है, ऐसा रहता है, वो ऐसा किसी जैसा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दे रहे हैं, ऐसे रहता है। धीरे धीरे फलन क्या हो रहा है, घट रहा है, फलन धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, फलन धीरे धीरे घट रहा है। और उसके किसी एक बिंदु पर हमने यहां पर एक बिंदु पर क्या, एक मतलब वक्र का एक बिंदु लिया और यहां से हम क्या खींचेंगे, इसकी एक स्पर्श रेखा जो इसको इस वक्र को छू करके चली जाए। और देखो x अक्ष के साथ ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो ये जो कोण बना रहा है यानी ये जो झुकाव है, ये झुकाव रेखा की, स्पर्श रेखा की जो झुकाव होती है, स्पर्श रेखा की झुकाव जो होती है वही होता है अवकलन, वही होता है अवकलन। जो झुकाव होता है स्पर्श रेखा का, जो झुकाव होता है वही मेन कॉन्सेप्ट होता है अवकलन। ये झुकाव किसके कारण आता है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y में भी परिवर्तन हो रहा है, x में परिवर्तन होने से y परिवर्तित हो रहा है, यानी झुकाव भी तो परिवर्तित होगा। और अवकलन यही तो बताता है कि चीजें कितनी जल्दी घट रही हैं, बदल रही हैं, उसके बारे में ही तो अवकलन बताता है। तो झुकाव ही क्या बताता है, अवकलन बताता है, ठीक है। ये अभी हम स्पर्श रेखा वाले में समझेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्यों, यहां पर झुकाव कुछ दूसरा आता, इस बिंदु के लिए झुकाव दूसरा आ रहा है, यहां पर पहुंचेंगे तो झुकाव कुछ दूसरा आएगा, तो झुकाव बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, x बदल रहा है, जैसे जैसे हम x बदल रहे हैं वैसे वैसे फलन भी बदल रहा है, तो x बदलने से फलन भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, तो इसलिए थीटा भी तो बदलेगा। तो x बदलने से y बदलता है, ये चीज तो अवकलन हुआ हमारा, लेकिन थीटा भी तो बदल रहा है, तो इसलिए झुकाव भी बदल रहा है, तो झुकाव भी क्या कहलाता है, अवकलन। झुकाव का मतलब होता है अवकलन, और झुकाव को किससे प्रदर्शित करते हैं, टैन थीटा से। झुकाव का मतलब होता है प्रवणता, क्या होती है, प्रवणता। झुकाव का मतलब क्या होती है, प्रवणता। कक्षा 11 की सरल रेखा में हम सब लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, झुकाव का मतलब होता है प्रवणता, और प्रवणता को किससे लिखा जाता है, टैन थीटा से। और अवकलन को किससे लिखा जाता है, जैसे फलन है एक्स का तो अवकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो फलन को हम किससे लिखते हैं, एफ एक्स से लिखते हैं, लेकिन अवकलन की बात कर रहा है, तो अवकलन मतलब एफ डैश एक्स। फंक्शन हुआ एफ एक्स, उस फंक्शन का अवकलन कौन होगा, उस फंक्शन का अवकलन होता है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, यहां पर टैन थीटा कहते हैं। एफ एक्स फलन हुआ, अब फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो उस फलन का, एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और ये किसके बराबर होता है, झुकाव, झुकाव यानी प्रवणता, और प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। आ रही बात समझ में, यानी x बदलने पर, इस बिंदु से इस बिंदु तक x बदलने पर y कितना बदल रहा है, यानी y यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा, तो यहां से लंब डाल करके, ये तो पूरा सरल रेखा का कांसेप्ट है, अभी यहां पर हम समझेंगे। अगर जो देखा जाए तो ये कौन सा फलन हमारा हुआ, निरंतर निरंतर वर्धमान फलन। कौन सा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देखो हमेशा थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री आती है, थीटा हमेशा 90 अंश से कम ही रहने वाला है, थीटा हमेशा 90 अंश से कम रहने वाला है। और इस वाले केस में ये कौन सा है, इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे फलन घट ही रहा है, इसका मतलब। और इसमें क्या होता है, थीटा हमेशा 90 अंश से क्या आता है, बड़ा आता है, ठीक है, 90 अंश से क्या आता है, बड़ा आता है। तो टैन थीटा क्या आने वाला है, देखो अगर टैन थीटा निकालेंगे तो टैन थीटा 90 अंश से कम हो तो 90 अंश के लिए टैन क्या होता है, 90 अंश के लिए टैन पहले क्वाड्रेंट में आता है ना, 90 से कम,
90 से कम पहला क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और फिर उससे 180 से ज्यादा तीसरा, ठीक है, और फिर 270 से ज्यादा पहुंचता है चौथा वाला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले क्वाड्रेंट में है ये, 90 से कम है थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट में आया तो टैन थीटा क्या जाने वाला है, पॉजिटिव जाने वाला है, क्योंकि टैन थीटा पहले चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक। थीटा 90 अंश से कम है तो इसका मतलब 90 अंश से कम चाहे जो भी टैन की वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा क्या आती है, धनात्मक आती है। और टैन एक्स किसके बराबर है, देखो एफ डैश एक्स के बराबर, यानी कि एफ डैश एक्स इसमें क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। तो हम समझ सकते हैं यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा ही तो पॉजिटिव बनता है। तो ये याद रखिए, निरंतर वर्धमान फलन में जो एफ डैश एक्स है हमारा, अवकलन तो करना ही करना है, अवकलन करना है, उस अवकलन में जो एक्स के सभी मान के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही होगा। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। चलिए इसमें देखते हैं, तो 90 अंश से बड़ा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाने वाला, दूसरे चतुर्थांश में। और हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। तो 90 से ज्यादा के लिए केवल कौन पॉजिटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन वाला। तो इसलिए इसमें टैन क्या आने वाला है, टैन थीटा इसमें क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है दूसरे चतुर्थांश के लिए। यानी टैन थीटा हम लोग पढ़ भी चुके, कौन होता है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह यहाँ पर कैसे आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। यानी इसमें फलन का जो अवकलन आने वाला है, फलन का अवकलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि निरंतर ह्रासमान फलन में एफ डैश एक्स निगेटिव होता है। ये निरंतर शब्द आना है तो निरंतर के लिए तो जीरो बराबर होगा ही नहीं, वो तो लगातार धनात्मक ही बनता जाएगा, लगातार ऋणात्मक ही बनता जाएगा, जीरो के बराबर कब आता है फलन, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो एफ डैश एक्स है हमारा, इसमें वो जीरो से बड़ा आने वाला है, जीरो से बड़ा है तभी तो वो पॉजिटिव है, ठीक। इसमें एफ डैश एक्स जीरो से क्या आने वाला है, छोटा, तभी तो वो निगेटिव है। चलिए अब आगे देख लेते हैं वर्धमान फलन के लिए क्या होता है। हमने बताया था निरंतर शब्द में क्या होता है, लगातार बढ़ाना रहता है, और केवल हम पढ़ रहे हैं वर्धमान फलन, और वर्धमान फलन में बराबर आने वाला है वो कैसे आएगा, चलिए हम देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा होने वाला वीडियो तो आराम से समझिए। तो यहां पर हमने एक फलन बनाया, ऐसे खींचा, फिर उसको बराबर किया और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा दिया। ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ा, यहां पर तो बढ़ रहा, यहां पर तो बढ़ रहा, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो इसका एक्स अक्ष के साथ कोण, देखो इसका तो एक्स अक्ष के साथ तो कोण निकल ही आएगा, कहीं ना कहीं से वक्र का निकल आएगा, इसका भी एक्स अक्ष के साथ कोण निकल आएगा, इनका भी एक्स अक्ष के साथ अगर कोण निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आने वाला। लेकिन ये वाला देखो, तो ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो ये एक्स अक्ष के क्या है, ये एक्स अक्ष के तो समांतर है, ये एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। और अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो यहां पर एंगल कितना बनने वाला है, थीटा कितने बनने वाला है, जीरो अंश। आई बात समझ। और टैन जीरो अंश का मान कितना होता है, देखो टैन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो होता है। अगर टैन जीरो हो गया तो एफ डैश एक्स का मान भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ये होता है वर्धमान फलन। तो ये कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है, कौन सा फलन है, वर्धमान, केवल और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स का मान देखो, पहला जीरो आया यहां से यहां तक, यहां पर देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो मान देखो क्या होता है, बढ़ रहा तो एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा आता है, लेकिन यहां बढ़ नहीं रहा, बराबर ही जा रहा है। तो ये पहला, ये इसके लिए तो जीरो है, लेकिन यहां पर जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहे के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स का मान अन्य चीजों के लिए वो जीरो से बड़ा आएगा, यहां के लिए जीरो से बड़ा,
यहां के लिए जीरो से बड़ा, यहां के लिए जीरो के बराबर। तो यहां पर दो आए फलन के दो मान, एफ डैश एक्स के अवकलज के दो मान आए। पहला वो जीरो से बड़ा भी जा रहा है और जीरो के बराबर भी जा रहा है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होने वाला है। या तो एफ डैश एक्स जीरो आएगा या तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा आएगा, दोनों भी हो सकते हैं ना, दोनों होंगे। ये होता है हमारा वर्धमान फलन। अब यहां पर देख लेते हैं ह्रासमान फलन क्या होता है। ह्रासमान फलन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको पता है कि हाँ पहले चित्र कैसा बनाना है, कुछ ऐसे बनाना है ऐसे, और फिर इसके बाद बराबर का करना है, क्योंकि लगातार इसे नहीं करना है, वो लगातार बढ़ रहा था लगातार घट रहा था, लेकिन ये लगातार ये घट रहा है धीरे धीरे, और घट रहा है यानी नीचे आ रहा है। तो इस वाले केस के लिए देखेंगे, इस वाले केस के लिए, तो इस वाले केस के लिए कुछ यहां से अगर हम खींचेंगे, यहां से अगर हम खींचेंगे तो एंगल कुछ बनेगा, तो वो थीटा 90 से बड़ा बनेगा। इसके लिए भी थीटा अगर खींचेंगे तो भी 90 से बड़ा बनेगा, और धन अक्ष की दिशा में 90 से बड़ा आता है। तो पहला तो 90 से बड़ा आया, तो एफ डैश एक्स ये तो पक्का हो गया, इन दोनों के लिए फलन का मान जो एफ डैश एक्स है वो जीरो आने वाला है, यानी जीरो से छोटा ही होगा, घट रहा है जीरो से छोटा होगा। लेकिन यहां के लिए देखेंगे, इतने भर के लिए हम देखेंगे, इस वाले टर्म के लिए, इस वाले टर्म के लिए देखेंगे, तो ये एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगा कुछ नहीं, एक्स अक्ष भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में, एंगल कितना बनने वाला है जीरो अंश। और टैन जीरो अंश का मान क्या होता है, देखो अभी हमने बताया था टैन थीटा जो होता है एफ डैश एक्स होता है, हमको एफ डैश एक्स निकालना है तो टैन थीटा देखना पड़ेगा। तो टैन थीटा यानी थीटा का मान जीरो रखेंगे तो टैन जीरो अंश का मान क्या होता है जीरो, यानी इस केस के लिए, इस केस के लिए एफ डैश एक्स का मान जीरो आने वाला है, और इन दोनों केस के लिए एफ डैश एक्स का मान जीरो से कम आने वाला है। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स या तो जीरो से छोटा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। तो जहां निरंतर शब्द आएगा, जहां निरंतर शब्द आएगा वहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लेना जीरो के, क्योंकि ये जीरो के बराबर आएगा नहीं, ये जीरो कहाँ होगा, वो निरंतर बढ़ ही रहा जीरो से बड़ा होगा, निरंतर शब्द आ रहा जीरो के बराबर होगा ही नहीं, तो निरंतर वाले में जीरो के बराबर नहीं है होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर सादे आ रहे तो यानी वर्धमान ह्रासमान आ रहा है तो वो जीरो के बराबर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या होते हैं। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। ऐसी बात नहीं कि कोई फलन में केवल और केवल इंक्रीजिंग ही आएगा, फलन में इंक्रीजिंग भी आएगा डिक्रीजिंग भी आएगा, दोनों एक साथ हो भी सकते हैं, वो भी हम चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका फार्मूला इकट्ठा लिखे दे रहे हैं, चलिए हम देख लेते हैं फार्मूले जो हमारे हैं कि निरंतर वर्धमान फलन के लिए हमने बताया था निरंतर है तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा आएगा। वर्धमान फलन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा तो आएगा ही आएगा क्योंकि वर्धमान है, निरंतर नहीं है तो इसलिए जीरो के बराबर भी हो सकता है। निरंतर ह्रासमान फलन के लिए यानी वो घटता ही जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा, तो इसलिए जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी एफ डैश एक्स जीरो से छोटा आने वाला है। और ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स जीरो से छोटा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जीरो के बराबर भी होगा। कहने का मतलब वर्धमान फलन के लिए जो फलन हमारा होता है उसका अवकलन धनात्मक आता है, एफ डैश एक्स धनात्मक होता है, और ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ऋणात्मक होता है दिए गए अंतराल के लिए। अंतराल क्या होते हैं, अंतराल दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखो अगर कोई अंतराल ऐसे लिखा है ए कामा बी, और ऐसे अगर कोई अंतराल लिखा है यानी एक्स बिलोंग्स कर रहा है, एक्स प्रदर्शित कर रहा है इस अंतराल में, और या फिर कोई ऐसा अंतराल लगा है छोटे ब्रैकेट वाला, तो छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में भी अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स का मान जो होता है वो बराबर होता है, क्योंकि बंद अंतराल के लिए बराबर होता है, बराबर भी होता है, एक्स जो है ए और बी के बराबर भी होगा, इसके बीच का भी होगा, यानी कि एक्स ए और बी के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, और साथ ही साथ ये बंद अंतराल लगा है, इसे बंद अंतराल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, तो इसलिए ये बराबर भी होगा। इसमें क्या होता है, ये खुला अंतराल है, ये छोटा ब्रैकेट मतलब खुला अंतराल, इसके लिए क्या होता है, जो एक्स है वो ए और बी के क्या होता है, बीच में ही होता है, इन बिटवीन भी होता है, बस
इसमें खुला अंतराल लगा है तो इसलिए बराबर का चिन्ह नहीं आया, इसमें बंद अंतराल लगा है तो इसलिए बराबर का चिन्ह आया। तो ठीक है, समझ में आई बात। ये ऐसे होते हैं, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल दोनों साथ में आएंगे। जैसे ए कामा बी, एक तरफ क्लोज्ड है एक तरफ ओपन है, एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स इस वाले बड़े वाले के लिए क्या होता है, बराबर होता है। पहली चीज, एक्स ए और बी के बीच में होगा, और इस तरफ बंद वाला अंतराल लगा तो बराबर, इस तरफ खुला लगा तो बराबर नहीं होगा। तो जिस तरफ बंद है उस तरफ बराबर होने वाला है, ये है इसकी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक हमारा टॉपिक छूट रहा है, वो कल के वीडियो में हम बताएंगे कि किसी एक फलन में वर्धमान और ह्रासमान दोनों मान आने वाले हैं, यानी फलन के मान जो होते हैं वो बढ़ते भी हैं बीच में घटते भी हैं, दोनों चीजें आती हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ सवाल को देख लेते हैं, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x)e^2x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है इसका मतलब फलन जो होगा एफ डैश एक्स, उसका अवकलन वो जीरो के बराबर होने वाला ही नहीं, एफ डैश एक्स जीरो आएगा ही नहीं। तो ये तभी तो वो निरंतर वर्धमान है, यानी वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार, जीरो नहीं आने वाला है। और जो हमको सिद्ध करना है उसके लिए एक्स जो है, एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है, आर में। वास्तविक संख्या यानी सभी संख्या वास्तविक होती है, उनको तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, प्रूफ में हम फलन को उतारते हैं f(x)2 जो हमारा दिया गया e^2x, इसका हम डिफरेंटिएशन करते हैं। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि फलन x का है, फलन किसका, x का है, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो df(x) होता है यही ddx ऑफ y को f(x) कहते हैं। e^x का अवकलन क्या पढ़ा हम लोगों ने, e^x, और इंटू ddx ऑफ x की जगह पर कौन आया है, 2x आया। हमने तो भाई फार्मूले में e^x का पढ़ा, लेकिन इसमें आया कौन, 2x आया, तो उसका फिर से अवकलन होगा। 2 कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, 2e^2x f'x। चलिए इसका मान कैसा आया है, कभी भी x अगर घात में आएगा तो वो तो धनात्मक ही जाने वाला है। अगर यहाँ पर e^-2x पहुंचता तो, या फिर e^, चलिए हम समझ लेते हैं 2 का मतलब नहीं, अगर e^-x लगा तो ये बटे में आकर के फिर से क्या हो जाएगा, e^x, यानी बटे में अगर घात लगी है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो धनात्मक ही आएगा। हमको आगे चिन्ह देखना है, आगे चिन्ह, ये वाला मान तो धनात्मक ही होता है, सबको पता चल गया, 2 भी धनात्मक का है, तो इसका मतलब f'x जो है वो जीरो से तो बड़ा ही आने वाला है। कहने का मतलब f'x का मान कैसा है, पॉजिटिव है। अगर x'x का मान पॉजिटिव आया तो पहला वो फलन वर्धमान है। निरंतर सिद्ध करने के लिए हम करते क्या है, इस वाले फलन में हम x की वैल्यू जीरो डालेंगे, यानी पूरी वैल्यू इसमें x की क्या डालेंगे, जीरो। अगर हम x की वैल्यू जीरो डाल रहे हैं, x की वैल्यू जीरो डाल रहे हैं, तब क्या ये मान जीरो हो रहा है, f'x कभी भी जीरो होगा, चलिए देख लेते हैं। तो e^2x का मान कितना डाले हमने, जीरो डाला। x का मान कितना डाल दिया हमने, जीरो डाल दिया चेक करने के लिए, ठीक है, जीरो डालेंगे, जहां x है वो पूरा हम पूरा जीरो डाल देंगे, ठीक है। चलिए क्या f'x का मान जीरो के बराबर आएगा, e^2×0 तो यानी ये हो जाएगा e^0, और e^0 क्या हो जाएगा, 1, तो 2×1=2 कितना आया, 2 ही तो आया, आया कि नहीं आया। ये फलन जीरो कभी हो ही नहीं सकता, x की चाहे जो हम वैल्यू इसमें डालेंगे, चाहे जो भी आप वैल्यू डालिए x की, ये कभी जीरो होने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर x नीचे कहीं होता तो जीरो हो सकता था, तब वो वर्धमान ही केस में आता, निरंतर नहीं हो पाता। तो निरंतर ये इसलिए है क्योंकि इसका मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं आने वाला है, ये हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से बड़ा है, इसीलिए फलन जो हमारा है f(x) वो क्या हो जाएगा, निरंतर
वर्धमान। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये अप्रूव्ड हो गया हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू, फाइव एक्स माइनस टू, हाँ ठीक। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यानी समुच्चय आर में निरंतर वर्धमान है। तो चलिए ये भी हम सिद्ध करिए ले रहे हैं प्रूफ। तो जो फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू, तो सबसे पहला तो इसका अवकलन तो करना ही करना है। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू फलन एक्स का है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना बनने वाला है, फाइव, अलग अलग प्लस माइनस का तो अलग अलग अवकलन होंगे, तो फाइव एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन वन, माइनस टू का क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स बदलने पर टू तो बदलेगा नहीं, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव बनेगी, ठीक है। अब एक्स का मान किसमें कह रहा है, समुच्चय जो फलन है इसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, तो एक्स और फलन दोनों, एक्स और वाई दोनों, दोनों के दोनों किसके समुच्चय हैं, किसके समुच्चय हैं, ये आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों आर में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे, चाहे जो भी वैल्यू डालो, तो एक्स इसमें है ही नहीं, एक्स इसमें है ही नहीं। क्या कभी एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ये जीरो के बराबर होगा ही नहीं। ओवरऑल, ओवरऑल यानी कि सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ डैश एक्स जीरो आने वाला ही नहीं, और जीरो जब आएगा नहीं तो ये कौन सा वर्ड इसमें जुड़ जाता है, निरंतर। और क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका चिन्ह कैसा आया है, प्लस का आया है, तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक है, और ये जीरो के बराबर भी नहीं है एक्स के किसी भी मान के लिए, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर भी नहीं है, और ये जीरो से बड़ा भी है, तो इसलिए पहला तो जीरो के बराबर नहीं, तो निरंतर शब्द जुड़ गया, और क्योंकि ये जीरो से बड़ा मान है तो इसलिए ये वर्धमान भी है। तो ये फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान होगा। अतः अतः जो एफ एक्स है, वो फलन जो है हमारा, वो निरंतर वर्धमान होगा, यही हो जाएगा इसका प्रूफ। आगे के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, ठीक है।